जय हिंद दोस्तों। आज के समय में डेमोक्रेसी को दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसे रुझान हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर युवाओं का मानना है कि डेमोक्रेसी आज के मामले में, आज की दुनिया के अंदर जो उनके मामले हैं वो सुलझाने में असफल रही है। और बहुत सारे युवा ये मानते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी से अच्छी भी शासन व्यवस्था हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसको युवाओं ने डेमोक्रेसी से भी अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में बताया है। पर उससे पहले अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, रिसेंटली ओपन सोर्स द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक ये सर्वे करीब 30 से ज़्यादा देशों में किया गया था, और जहाँ पर हमारे सामने बहुत ही एक अजीब आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे युवा ये मानते हैं, करीब 42% के आसपास युवा ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा शासन सैन्य शासन हो सकता है। यानी कि दुनिया में 30% जो 30 देश हैं उनके अंदर करीब 42% आबादी ये मानती है, और उसमें भी सर्वे किया था, उसमें जो ज़्यादातर आंकड़े लिए गए ये युवाओं के हैं, जहाँ एज उनकी करीब 18 से 35 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। यानी कि 18 से 35 वर्ष के बीच में 20 के जो लोग हैं, युवा है, वो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा विकल्प एक सैन्य शासन का हो सकता है। अब इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों ऐसी ही एक शासन व्यवस्था को, जिसको दुनिया में बहुत सारे लोग तानाशाही कहते हैं, उसको अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं? तो देखिए, आज की जो करंट जो शासन व्यवस्था है डेमोक्रेसी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं और उन मामलों पर सरसा तक नहीं की जा सकती। और वहीं अगर सैन्य शासन के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर एक साय आतंकवादी हो या एक विक्टिम हो जिसके ऊपर आतंकवादी ने हमला किया, दोनों को बराबर अधिकार दिया जाता है। और इस मामले में एक आतंकवादी को उस पूरे घटनाक्रम की, उस जो उसने अपराध किया है, उसकी सज़ा मिलने में बहुत सारा समय लग जाता है। इसके अलावा ये भी लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो दोषी है वो और विक्टिम है, उन दोनों के बीच में जो उन दोनों के अधिकार हैं वो दोनों के एक जैसे हैं। और इसमें कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ पर कोई दोषी न होते हुए भी कई बार जेल में रहा है और कोई दोषी होते हुए भी छूट करके बाहर आज़ादी से घुमाए। वहीं पर्यावरण जैसे मामलों के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण के मामलों के बारे में भी काफ़ी सारे युवा ये सोचते हैं कि इसमें एक सैनिक जो शासन होता है वो कारगर साबित हो सकता है बजाय डेमोक्रेसी के। वैसे इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी, क्या आप भी उन 42% युवाओं में से हैं जिनको ये लगता है कि जो डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था है उससे अच्छा विकल्प हमारे सामने सैन्य शासन का हो सकता है? और ऐसी और इंटरेस्टिंग और ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।